हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। आज आपको लिमिट एज ए सम का एक क्वेश्चन बता रही हूँ जो सेक्शन सी में आता है। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है बिकॉज वो उसके सारे वर्किंग स्टेप्स नहीं लिखते। मैंने वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम डायरेक्ट एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एंड लास्ट वन इज एफ ए प्लस एन माइनस वन टू एच लिखते हैं। यहाँ ये स्टेप लिखिएगा, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए करिएगा। बी आपकी अपर लिमिट है एंड ए इज योर लोअर लिमिट। यहाँ से एच की वैल्यू निकाली हुई है। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने होंगे, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री एन माइनस वन को डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अगर ये टर्म एक स्क्वायर में हो तो आप एन माइनस वन एन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स लिख सकते हो। अगर ये टर्म क्यूब में है तो आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। इसी के अलावा देखिए, कभी कभी एक्सप्रेशन जो है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारा ये वाला फॉर्मेट है, आर एन माइनस वन है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो आप एस एन एस फॉर्मेट से सॉल्व करोगे। और आर अगर लेस देन वन है तो आप ये वाला फॉर्मेट लगाओगे और आर दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे। यहाँ एक छोटी सी पॉइंट बताया है कि अगर कोई पावर दे रखी है तो हम उसको सेम बेस में ब्रेक भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको जो थोड़ा लेंदी है। तो लिमिट एज ए सम में जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, वही सॉल्व आउट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन में दिया है वन टू थ्री थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन डी एक्स। सबसे पहले देखिए, लोअर लिमिट आपको वन दे रखी है, अपर लिमिट थ्री दे रखी है। एनएच हमने फॉलो किया है बी माइनस ए दैट इज थ्री माइनस वन, यानी एनएच की वैल्यू आ गई टू। एफ एक्स इज इक्वल टू, अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन कॉपी कीजिए, एफ ए निकालेंगे मीन्स ए की जगह वन प्लेस करोगे, एफ ए प्लस एच निकालोगे दैट इज वन प्लस एच। तो देखिए, पहले स्टेप में मैंने वैल्यू रखी है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने होल स्क्वायर को ओपन किया है और यहाँ देखिए थ्री से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया है फिर ये, तो पूरा एक्सप्रेशन आ गया थ्री एच स्क्वायर एट एच प्लस सिक्स। नेक्स्ट में हम वन प्लस टू एच रख रहे हैं, तो आप ये वाले स्टेप कम मत कीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम फॉर्मूले में लगाए हैं, इसको ओपन किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया आपका ट्वेल्व एच स्क्वायर सिक्सटीन एच प्लस सिक्स। इसके बाद डॉट्स लगा के आप लास्ट टर्म लिखोगे और इसे ओपन करने के लिए एक तो वन लीजिए और दूसरा एन माइनस वन एच लीजिए। तो देखिए, जब होल स्क्वायर ओपन किया है तो सिंप्लीफाई करके ये आया हुआ है। इसके बाद वाला स्टेप मैं करके दिखा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास था वन टू थ्री जो एक्सप्रेशन है, उस पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी कीजिए। यहाँ पर डी एक्स लिखिए, लिमिट एच टर्निंग टू जीरो लिखिए, एच लिखिए और एक बार उस एक्सप्रेशन को लिखिए जिसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, यानी वन प्लस एच वन प्लस टू एच एंड लास्ट टर्म है एफ वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच। ये स्टेप मार्किंग होती है क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होता है, तो स्टेप्स अगर आप कट आउट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। एफ वन की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आई हुई है सिक्स, एफ वन प्लस एच आया हुआ है थ्री एच स्क्वायर प्लस एट एच प्लस सिक्स, इसे ब्रैकेट बना के लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्वेल्व एच स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एच प्लस सिक्स एंड डॉट्स लगा के हम लास्ट टर्म लिख रहे हैं, दिस इज योर थ्री एन माइनस वन होल स्क्वायर। इसे ब्रैकेट क्लोज करने से पहले एच स्क्वायर प्लस एट एन माइनस वन इंटू एच प्लस सिक्स, स्मॉल ब्रैकेट बना रहे हैं और ओवरऑल कर्ली ब्रैकेट है। अब यहां से देखिए, इसके संग एच मल्टीप्लाई में था, लिमिट स्टैंडिंग टू जीरो ऐसी रखी है एच ऐसे ही। ये जो सिक्स है वो एन टाइम्स आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म, इस पूरे में से आप थ्री एच स्क्वायर कॉमन लोगे। तो देखिए, यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ पे आपके पास बचेगा फोर और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बचेगा नाइन और लास्ट टर्म होगा एन माइनस वन होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, ये जो टर्म है आपके, अगर हम यहाँ से एट एच कॉमन लें तो आपके पास बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस वन। ये हमने सारे टर्म कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, लिमिट एच टर्निंग टू जीरो दिस इज एच, ये सिक्स एन रहेगा, थ्री एच स्क्वायर, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने आपको बताया था एन माइनस वन एन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स और एट एच ऐसी रखिए, यहाँ जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो एन एन माइनस वन अपॉन टू है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जब हम इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एन एच,
3 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए 2 और ये h क्यूब होगा तो इस h क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए nh माइनस h nh दिस इज 2 nh माइनस h यहाँ आप 2 से कैंसिल करोगे 4 आएगा और यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे nh और एक h बाहर है तो ये nh माइनस h आएगा और nh की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी है तो डायरेक्ट जहाँ nh है वहाँ 2 लगाइए तो 6 इंटू 2 होगा दिस इज 2 माइनस 0 दिस इज 2 इंटू 2 माइनस 0 दिस इज 4 ये 2 ये 2 माइनस 0 फाइनली जब आप सॉल्व करोगे ये 12 हो जाएगा यहाँ देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 ये वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी और यहाँ पर 8 इंटू 2 करेंगे आपके पास 16 आ जाएगा यानी जब आप इस वैल्यू को सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आएगा 32 प्लस 12 दैट इज यू हैव गॉट 44 तो ये इस एक्सप्रेशन का आंसर है। इस क्वेश्चन में एक और चीज देखिए ये जो 2 हमारा नीचे रह गया था इस 2 से अगर आप इस 2 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 8 आएगा यानी ओवरऑल आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपकी 36 आएगी। तो बिल्कुल भी पजल्ड मत होइए इस क्वेश्चन में जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं आप उन सबको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। इसके अलावा लिमिट एज ए सम की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो है आपकी एक्सरसाइज 7.8 7.8 के आप क्वेश्चन नंबर 2 ये है 0 to 5 एक्स प्लस 1 dx इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 0 to 4 एक्स प्लस e to x dx इसको सॉल्व कीजिएगा एंड क्वेश्चन नंबर 5 -1 to 1 ex dx और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेट पर इनके सॉल्यूशन मौजूद हैं लेकिन फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे जो करने का तरीका है वो बहुत बेसिक से रिलेटेड है और अगर आप बरेली को बिलोंग करते हो तो आप कंपार्ट की फ्री कोचिंग के लिए डॉली कोचिंग मेथड्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू शुक्रिया जय हिंद।